कितने यस सर। रन आउट हो गए थे इसमें, 11 12? चलो नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्सेप्ट आता है बेटा, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ लेंस। सर बोर्ड के लिए बेटा इमर्ज into the medium of refractive index. सर बोर्ड विजिबल नहीं है। Less than 1/r1 - 1/r2 focal length of lens in medium 1/f - μ - 1 / r1 - 1/r2 दोनों को बेटा डिवाइड कर दो। 1/f / μ - 1 / r1 - 1/r2 तो बेटा f' / f a μg - 1 / μ - 1। अब μ यदि ग्रेटर देन 1 है तो f' = a μg - 1 और μ - 1 × f, दैट मीन्स f' = 1। यदि मैंने पॉजिटिव लिया था तो एफ डैश भी क्या हुआ, पॉजिटिव ही आया, और पॉजिटिव आया दैट इज कॉन्वेक्स, रिमेन्स कॉन्वेक्स, एंड कॉनकेव रिमेन्स कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में रहेगा, कॉनकेव कॉनकेव में रहेगा। और यदि बेटा मैं डायग्राम की बात करता हूं तो ऐसे बेटा डायग्राम बनाएगा कि इसे कंप्लीट करो,
जब इसे कंप्लीट करेंगे बेटा, क्योंकि ये ए म्यू जी है, ये बेटा ए म्यू एम है, तो ये बेटा कन्वर्जिंग था तो कन्वर्जिंग ही रहेगा, ये बेटा डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग ही रहेगा। तो तीन केसेस थे इसमें, यदि मैं सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इमर्ज कराता हूं तो बेटा कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, यदि मैं उससे ज्यादा में इमर्ज कराता हूं तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में बदल जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स में बदल जाता है, और यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंथ से भी कम है तो वो कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव का कॉनकेव ही रहेगा। तो ये तीन क्वेश्चन बेटा बनते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बात करो। वैसे तो मैंने बेटा पीडीएफ आपने देखी होगी उसमें सेंड कर दिया था, पर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार देख लो बेटा। सर पीडीएफ में तो दोनों डायग्राम अलग है ये बेटा, पीडीएफ में अलग है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जो लास्ट वाला डायग्राम था वो यही है सर, सेम है सर, यही है। अब बेटा इसके बाद अब और कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं जरा देखो। क्या था बेटा 13, मैंने आपको पहले भी बताया था म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यदि आपका टेम्परेचर बढ़ता है या बेटा घटता है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, म्यू बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, और डेल्टा को कहते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, बेटा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ क्या होती है बेटा फोकल लेंथ, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा होती है बेटा वेवलेंथ, दैट मींस म्यू या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कभी कभी बेटा क्वेश्चनिंग ऐसे होती है मुन्ना कि एक लेंस है वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा कहीं भी, उसकी प्रॉपर फोकसिंग के लिए बिना लेंस को चेंज किए हुए मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरे पास बेटा दो ऑप्शन होते हैं, आइदर चेंज द मीडियम, यदि मीडियम चेंज पॉसिबल नहीं है बेटा, मान लिया कहीं और जगह लगा हुआ वो लेंस और आप उससे देख रहे हैं तो हाउ टू चेंज द मीडियम, तो उसके लिए मैं डिफरेंट कलर की रेंज यूज कर सकता हूं, मीन्स यदि रेड कलर की रे आप इंसिडेंट करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ बेटा ज्यादा होगी, और वॉयलेट कलर की यदि यूज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, दैट मीन्स फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और एक विबग्योर होता है बेटा, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो इस विबग्योर जो भी कंडीशन है मेरी तो उससे बेटा मेरा एक कंक्लूजन ये हो सकता है, बाकी डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा
वेवलेंथ होता है। यहां पर भी क्वेश्चनिंग आती है कि मेरे पास राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म है, उस पर मैं डिफरेंट कलर की रेज इंसिडेंट करता हूं। जब मैं डिफरेंट कलर की रेज इंसिडेंट करूंगा तो कौन सी रे बाहर निकल के आएगी, कौन सी रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मैं कैसे कंसीडर करूं। तो देखो बेटा, यहां पर मैं, ये मेरा नोट था, और एक क्वेश्चन देता हूं बेटा। थ्री रेज आर इंसिडेंट टू द सरफेस ऑफ राइट एंगल्ड प्रिज्म। ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट विच कलर्ड रे इमर्ज आउट एट मिनिमम डेविएशन। ये बेटा पीडीएफ में था, एक रे बेटा ये, एक रे ये, एक रे ये, ये बेटा ब्लू है, ये बेटा येलो है, ये बेटा रेड है। अब इनमें मैं डेविएशन बेटा कैसे ऑब्जर्व करूं, कैसे पता लगेगा कौन बेटा मिनिमम डेविएशन पर होगा, कौन मैक्सिमम डेविएशन पर होगा। तो उसका सिंपल सा तरीका बेटा ये होता है, आप यहां पर बेटा जी क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे, क्योंकि एक इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। यदि मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं तो बेटा आई एंगल किसके बराबर, जीरो, और भाई स्नेल्स लॉ बेटा म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन जीरो अपॉन साइन आर, साइन आर इक्वल्स टू बेटा जीरो अपॉन म्यू इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल्स टू कितना होगा बेटा जीरो। दैट मीन जो रे बेटा यहां से आई थी उन्हें आगे तो जाना ही पड़ेगा, यहां के बाद तो बेटा ये डॉटेड सिचुएशन होगी कि वहां तक पहुंचेंगी भी या नहीं, पर ये यहां तक तो सीधा पहुंचेंगी यहां। अब उसके बाद बेटा डेविएशन, एक कंडीशन होती है बेटा बिग्योर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है तो वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा होगा, वेवलेंथ ऑफ येलो, और येलो ज्यादा होगा वेवलेंथ ऑफ ब्लू। अब बेटा मेरे पास वेवलेंथ का रिलेशन है, मुझे चाहिए डेविएशन, डेविएशन ये रहा डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, गरिमा
डेल्टा डेल्टा एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है लैम्डा के, मींस जितनी वेवलेंथ ज्यादा है उसका डेविएशन कम, तो डेविएशन ऑफ रेड कम होगा डेविएशन ऑफ येलो से, कम होगा डेविएशन ऑफ ब्लू से। तो यहां पर जब बेटा आप डेविएशन देखेंगे, सबसे ज्यादा डेविएशन इसमें और ये बेटा बाहर निकलेगी सबसे कम डेविएशन पर, तो रेड बेटा इधर आ गई, ये बेटा येलो है और ये बेटा ब्लू है। सबसे बड़ा एंगल ये इसका बेटा ब्लू का, उसके बाद बेटा एंगल क्या होगा ये येलो, और उसके बाद बेटा जो एंगल होगा ये इसका बेटा रेड। तो मैंने यहां दो क्वेश्चन रखे थे कि तीन रे हैं इंसिडेंट होती हैं सरफेस पर, एक राइट एंगल बेटा प्रिज्म था, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, ये तो बेटा पाथ हो गया, फिर विच कलर्ड रे इमर्ज आउट एट द मिनिमम डेविएशन इट वुड बी रेड। और करने का तरीका, इंसिडेंट एंगल बेटा जीरो था, मैंने स्नैच रो लगाया, यहां से आर निकाला, आर बेटा जीरो आ गया, उसके बाद ये डेविएट होंगी क्योंकि राइट एंगल प्रिज्म है तो एटलीस्ट टी आई आर होगा, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो मिनिमम डेविएशन केवल रेड का होगा। तो जो मैंने बेटा ये नोट लिखाए हैं, इन नोट से आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। और कितनी बार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोई भी कलर लिया है, सेवन कलर में से कोई तीन दो चार कोई भी अवेलेबल होंगे, और आपको बस ये बताना है कि कौन सी रे का मिनिमम डेविएशन है या उनके पाथ ट्रेस कर रहे हैं कि व्हाट आर द पाथ्स। तो इस क्राइटेरिया के साथ में जितने भी नोट थे बेटा वो मैंने यहां रखे, और इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि लेंस, कोई भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिसाइड करेगी, ये तो ठीक है, बट उसके साथ में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना यूज करते हैं, आप उसे यदि किसी मीडियम में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, किसी मीडियम में उसे डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो लेंस की फोकल लेंथ है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बेटा चेंज हो जाती है। तो कहीं यदि फोकस नहीं कर पा रहे हैं या हमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस सिचुएशन में केवल हम ये क्राइटेरिया रखते हैं। तो ये तो बेटा नोट थे, और कोई यूज होंगे, अभी तो आगे का टॉपिक पड़ा हुआ है, अभी तो मैंने केवल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस की बात की थी और लेंस मेकर फॉर्मूला। अब आपके पास यहां जितने नोट लिख चुका हूं उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन बेटा हम करेंगे, क्योंकि मैं प्लेन लेंस भी जान चुका हूँ, लेंस की भी बात कर चुका हूँ, तो इसके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। एक एनसीईआरटी में एक लास्ट क्वेश्चन है 38, और वो क्वेश्चन आपको जो मैंने जितने नोट लिखाए हैं वो आपको डिसाइड करेंगे कि भैया ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैं जनरल कैटेगरी में करूंगा, आप बोर्ड में ये क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल हमेशा अवेलेबल होता है। अब आप उस चीज को कंसीडर करें ना, लास्ट में एनसीईआरटी, अब ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने आपसे कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के मेरे पास तीन तरीके होते हैं, तीन या चार तरीके होते हैं। एक होता है प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, उससे मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देता हूं। एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, उससे मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं। एक बेटा कनकेव मिरर को यूज करके भी हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं,
और एक बेटा कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर को यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका क्या है वो तो बेटा एक्सपेरिमेंटल थॉट है। कैसे स्कूल्स खुलेंगे, जब भी ये कोचिंग खुलेंगी खुलते ही सबसे पहले आपके एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। अब इसके बाद पहले मैं 38 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद बेटा फिर आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हम लेंस वगैरह के मैं नोट लिख चुके हैं और इंडिविजुअली लेंस का क्या बिहेवियर होता है वो मैं बात करूंगा अभी। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 38 मैं बुक लेके आया था, एक सेकंड रुको। यदि आपके पास बुक है, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल है बेटा, और पेज नंबर मैं बता देता हूँ, यदि आपके पास बुक है तो उसे निकालें और क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ें बेटा, तभी समझ आएगा। पेज नंबर है बेटा ये 350 और एक डायग्राम अवेलेबल है और उसे बेटा आप ध्यान से देखो क्या है। फिगर 9.37 शो द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात आपसे कर चुका हूं। इन द कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है बेटा, उस पर एक लिक्विड लेयर मैंने बना ली। ए स्मॉल नीडल विद द इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस अंटिल इट्स इनवर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजिशन ऑफ द नीडल। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस। द न्यू डिस्टेंस इज मेजर टू बी 30 सेंटीमीटर। वट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, बेटा जब मैं किसी भी लेंस को मिरर के ऊपर रखता हूं, प्लेन मिरर के ऊपर रखता हूं, तो वो लेंस जो होगा वो मिरर जैसा बिहेव करेगा। मीन्स उसकी जो इमेज बनेगी वो उसी के फोकस पर बनेगी। ध्यान से समझेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 38 9.38। यहां पर बेटा एक प्लेन मिरर था, इस प्लेन मिरर पर हमने रखा बेटा एक लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और बेटा यहां पर एक मिडिल, ये एक मिडिल रखी थी बेटा पी क्यू, यहां पी क्यू थी और इसकी इमेज बेटा इधर ही बन गई पी क्यू डैश, और यहां पर भरा हुआ था बेटा पानी। और ये पहले जो डिस्टेंस थी मैंने मान ली बेटा x, मैं तो जनरल टर्म में करूंगा, और यहां पर मेरा x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर है बेटा, क्योंकि इस साल से पिछले साल का पेपर देखना बोर्ड में बेटा ये एक्स वाई ए बी सी की फॉर्म में आता है। अब क्या हुआ, तो यहां पर ये दो लेंस बने बेटा, इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसकी फोकल लेंथ क्या है F2। इक्वी कॉन्वेक्स है
तो आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर, तो वन बाई एफ वन इक्वल्स टू बेटा ग्लास का बना हुआ है तो म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, वन बाई एफ वन इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव माइनस वन इंटू टू, वन बाई आर प्लस वन बाई आर, वन बाई एफ वन 0.5 इंटू टू अपॉन आर, एफ वन इक्वल्स टू बेटा वन बाई आर। ये उल्टा लिख दिया, वन बाई एफ वन इक्वल्स टू वन बाई आर, दैट मीन्स एफ वन इक्वल्स टू बेटा आर। इसकी फोकल लेंथ आर के बराबर है बेटा। अब इसकी फोकल लेंथ पता था, ये दो लेंस थे, ये बेटा कॉन्वेक्स है और ये प्लेनो कॉन्वेक्स। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू, क्या फोकल लेंथ है बेटा इसकी, वन बाई एफ दैट इज वन बाई एक्स। F1 फोकल लेंथ क्या है बेटा, 1 बाई आर और बेटा प्लस 1 बाई F2। तो बेटा जी 1 बाई F2 निकालूं तो 1 बाई आर x माइनस 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई F2, आर माइनस x अपॉन आर एक्स इक्वल्स टू 1 बाई F2, एंड एफ टू इक्वल्स टू बेटा आर एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। ये बेटा इसकी फोकल लेंथ थी दूसरे लेंस की, ये जो था। अब ये है कैसा बेटा, इक्वी कॉन्वेक्स, ये फॉर इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉनके या प्लेनो कॉनके, ये जो पानी भरा हुआ है बेटा ये प्लेनो कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस होता है सदांशुदी ऐसे, ये बेटा बीच में से काट दिया, जो ये इतना लेंस बचा इसे कहते हैं क्या बेटा, प्लेनो कॉनकेव। और क्या फोकल लेंथ होती है, वन बाई एफ टू इक्वल्स टू म्यू माइनस वन वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी, और नेगेटिव साइन होता है बेटा क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो वन बाई एफ टू इक्वल्स टू बेटा माइनस म्यू माइनस वन ऑफ आर, एफ की वैल्यू डालो बेटा तो एफ टू इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन म्यू माइनस वन। F2 की वैल्यू क्या है बेटा, आर एक्स अपॉन आर माइनस एक्स, हाँ भाई राम राम भट्टाचार्य, वो आज तो नहीं आए भाई, मैं भी जरा धार था भाई, हाँ आज तो नहीं आए, मैं तो भी मुझे दो दिन तो लगेंगे भाई, मैं कॉल कर लूंगा आके आपको बता दूंगा। हाँ हाँ नहीं आप चले जाओ, मैं भी दो एक दिन में आके आपको कॉल कर लेंगे, कब चलेंगे, चलो ठीक है। तो बेटा R से R कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, X बेटा इधर ले आओ, म्यू माइनस वन इक्वल्स टू X माइनस R अपॉन X, तो म्यू माइनस वन इक्वल्स टू वन माइनस R अपॉन X,
ये इधर ले जाओ बेटा, तो म्यू इक्वल्स टू टू माइनस आर अपॉन एक्स, क्योंकि जब मैं पानी हटा देता हूं बेटा यहां, तो आर जो था वो एफ के बराबर हो जाएगा जब मैं इसे पूरे को हटा देता हूं, इक्विकॉन्वेक्स था। अब यहां पर ये तो मैंने एक जनरल सॉल्यूशन दिया म्यू माइनस आर बाई एक्स। अब यदि मैं 30, जो मेरा क्वेश्चन था ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 38 में ये कितना था बेटा ये, और मेरा आर जो था रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है 30 सेंटीमीटर। यदि मैं इसे यहां पर रख दूं तो म्यू इक्वल्स टू बेटा टू माइनस आर, आर इज द 30 डिवाइडेड बाई 45, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा टू 15 × 20 = 45, 2/3, और म्यू इक्वल्स टू बेटा 3 × 6 - 3, म्यू इक्वल्स टू बेटा 4/3। ये बेटा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट मीन जो मैंने पानी भरा था पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 4/3, और 1.33 होता है बेटा। तो बहुत मैंने जनरल क्वेश्चन लिया, जब एक्स और वाई करके बात करते हैं पहले इन दोनों से मिलके एक्सपेरिमेंट बनी, जब मैंने पानी हटा दिया तो इमेज बेटा यहां एम थी, तो इधर इमेज बन गई कितनी बेटा एन एम डैश, ये बेटा वाई के बराबर था वाई, और वाई क्योंकि जब पानी हट चुका और मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो आर इक्वल्स टू एफ होगा, जैसे मैंने यहां पर निकाला, और ये एफ वन को मैं बेटा यहाँ वाई भी लिख सकता था, तो एफ वन आर और मेरा वाई भी हो सकता है। तो यहां पर जो मैंने आर यूज किया था उसकी जगह मैं वाई भी यूज कर सकता हूं, तो म्यू इक्वल्स टू बेटा टू माइनस वाई अपॉन एक्स भी ले सकता हूं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म में क्वेश्चन आता है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, आप देखो ये पेपर हुआ था, इससे पिछले साल का पेपर देखना, 38 क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया, और पूरा एक्सपेरिमेंट है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्लेन मिरर रखते हैं, उसके ऊपर लेंस रखते हैं, पहले हम इमेज बनाते हैं, वो डिस्टेंस आती है मेरी वाई, फिर जो गैप बचा बेटा उसके अंदर पानी भर देते हैं। अब मेरे पास दो लेंस बचे, एक बेटा कॉन्वेक्स और एक क्या होगा वाटर के साथ, और वो दोनों लेंस मिलके एक पर्टिकुलर इमेज बनाते हैं, और वो इमेज जो होगी वो बनती है कहां पर बेटा एक्स पर, और वो कितना होता है 45 सेंटीमीटर।